जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वक्त जो है हम करोल घाटी कांटा, ये एक एरिया है लाहौर का रिंग रोड के साथ, और इसमें महमूद बूटी का शायद आपने नाम सुना हो, उस इलाके में मौजूद है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त इंकशाफ करने वाला हूँ। उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है लोग दूध का इस्तेमाल कैसे करते हैं और दूध कैसे लोगों तक पहुँचता है और दूध से पैदा होने वाली बीमारियाँ। इस वीडियो घंट तक देखें। मैं क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिखा रहा हूँ, ये एक नाला बाईपास है। इस नाला बाईपास में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत बदबूदार सा जो है वो एरिया है, और ये नाला है, ये नाला वो नाला जिसमें पेशाब है लोगों का और बहुत ज़्यादा गलाजत है। और इसमें मैं अब आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, ये पाकिस्तान में वाकया इलाका है करोल घाटी, उसका मैं आपको दिखाऊँगा। ये पुल भी बड़ा खस्ता हाल है। अब ये देखें आप, यहाँ पर वो कुछ हमारे पास नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन के अंदर, कि ये दूध का कारोबार करने वाले ग्वाले हैं, और कैसे ये गंदे नाले के अंदर जो है ये भैंसों को लेकर जा रहे हैं। भैंसों को इस गर्मी की शिद्दत में, ये इस वक्त मई का महीना है, कोई मई की 10 तारीख है, 8 तारीख है, और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि भैंसों को ये पिला रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये पानी कैसे बाहर आ रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। ये देखें, ये गंदा पानी है, फैक्ट्री एरिया है, और ये आप देख सकते हैं पानी कैसे बाहर आ रहा है। और साथ आप देखें ये भैंसें हैं, और अल्लाह जानता है जी ये किस तरह का मखलूक है, किस तरह की आप देखें वो भैंसें बाहर निकलती आपको नज़र आ रही हैं। और ये सब भैंसों को यहाँ पर गंदे नाले के अंदर जो है, गर्मी लगती है भैंसों को भी, डेफिनेटली दे हैव टू टेक अ प्लेस जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो, लेकिन फिर भी आप ये देखें ज़रा, ये लोगों की सोच देखें। और यहाँ पे जो दूध लेने वाले इलाके के लोग हैं, ये आपके सामने बाइक्स पे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, करोल घाटी के रहने वाले हैं। तो आज यहाँ से कुछ ये आवाम के बंदों को भी मिलते हैं, और बंदों से मिलकर पूछते हैं कि क्या वो ये दूध पियेंगे, ये भैंसों का दूध नाले में नहाती है। बेटा ये सारी भैंसे गंदे नाले में पेशाब गलाजत, इसका दूध जब आपको ग्वाला देगा तो आप पियेंगे ये दूध? सुना आपने कि 5-5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन के, और ये जुल्म है अवाम के ऊपर। इस छोटे मासूम बच्चे ने इस बात का इंकशाफ आज कर दिया है। तो फिर ये लोग बेचते होंगे, तो ये बेचते हैं तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, कि क्या बेचना चाहिए इस तरह का दूध? गुनाह होता है। तो ये छोटा सा बच्चा है जो हमें इस वक्त बता रहा है, ये दूध वगैरह जो है अगर हम ये सेल करेंगे इसको तो गुनाह होगा। अब ये बात जो है बड़ों को नहीं पता है, लिहाजा ये काफ़ी अजीब बात है। तो यहाँ के मुकामी लोगों से जो है ज़रा मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या चक्कर है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये नाले के अंदर, गंदे नाले के अंदर भैंसों को नहलाया जा रहा है, एक तो भैंसों में बीमारी फैलेगी और दूसरा डेफिनेटली थनों से दूध निकलता है। आप क्या समझते हैं कि ये जब दूध निकलता होगा गंद गलाजत उस दूध में भी जाती होगी, और दूध लोग जो कच्चा पीते हैं स्पेशली उबाल कर नहीं पीते, उनको तो चीज़ का बड़ा नुकसान होता होगा, बीमारियाँ फैलती होंगी? तो आपने कभी, आप यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ पर ये स्टबल वगैरह नज़र आ रहा है और भैंसें भी कुछ आपकी भी नज़र आ रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मजबूरी है, गर्मी से वो नहा रही है, मजबूरी है, गर्मी तो आना चाहिए, तो बात है। तो ये कोई इलाके के बंदे मिलकर कोई साफ पानी का कोई भरासा तबेला बनाकर उसमें भी तो भैंसों को साफ पानी लैट ना हो, फिर क्या करेंगे हम? अच्छा, नहर का मसला ना इधर तो नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बीमारी नहीं फैलती इस तरह? मजबूरी है, हम लोग हम खुद ये दूध पीते हैं, हम भी यही दूध पीते हैं, आपका भी पीते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर हम महीने का 3,000-4,000 का दूध पीते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तो 30-40,000 लाख रुपए लगाना पड़ता है हमको मेडिसिन पे लग जाता है? हमारी भैंस बीमार हो जाएगी मजबूरी से, पानी बत्ती लैट ना आती हो तो हम ये खुद पानी आते, सरकारी साफ पानी पिलाते हैं, वो पानी साफ करने पुराने लगे हैं, ये मजबूरी है। इसके खिलाफ फिर आप हुकूमत के को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत खुद देख गई है उस दिन, चौधरी शबाज साहब आए हुए थे, वो देख कर गए थे वो। अच्छा। ये हम कई बार इसमें अंदर गिर गए हम, ये हमारे चारा लेकर आते हुए। अच्छा, तो वो ये कह गए हम दीवारें लगाएंगे, वो दीवारें कौन सा हल्का है आपको पता है? हल्के शालीमार टाउन में लगता है ये। हाँ, शालीमार टाउन, वो कौन सा टाउन लगता है? और यहाँ पे MNA वगैरह का क्या नाम है? वही पता है। अच्छा, और भी जिसका नाम ले रहे थे दोबारा लीजिएगा, चौधरी शबाज, चौधरी शबाज MNA में गुजरपुरा का। अच्छा, यहाँ पे MNA चौधरी शबाज साहब से जो है रिक्वेस्ट है, इन ये यहाँ के रहायशी लोगों का ये प्रॉब्लम है,
तो आप इसको जरा सुने, इसको देखें, इस मसले को हल करें। इस तरह तो आवाम के साथ जुल्म है। और पाकिस्तान में रहते हुए, किसी सदी में रहते हुए और नए पाकिस्तान का नारा लगाते हुए, इस तरह के हालात में यहाँ कोरोना से बदतर है। ये कोरोना से भी बदतर है बिल्कुल। हम हकीकत क्या है, स्मेल बहुत ज्यादा इसकी, तो हम तो आदि हो चुके हैं ना। और ये नाले का पानी कहाँ से आता है? ये नाले का नंबर से आ रहा है, मुगलपुर से आ रहा है, वो वाला जो है, ये जो सब मुगलपुर से आ रहा है। अच्छा, ये जो अंदर से पाइप निकल रहा है, ये मुगलपुर से पानी आ रहा है? क्या नाम, स्कीम दो नंबर स्कीम से आ रहा है। चलें जी, दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच भजन आपका। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये जो हालात हैं, मामलात हैं, इसको अल्लाह ताला बेहतर करे और आने वाले वक्त में बनी नु इंसान के लिए जो है कोई हम बेहतर कदम उठाएं, क्योंकि इस तरह अगर हालात चलते रहे इस मुल्क के तो मैं नहीं समझता कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और देखें यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पहुँच गए हैं, और आज भी हम गंदे नाले की भैंसों का दूध पीते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और इस इलाके को हमने एक्सपोज करना है, ताकि यहाँ पर इमरान खान साहब नोटिस लें और जितने भी हमारे आला हकाम हैं, आला अहदेदारान हैं, इस चीज़ का नोटिस लें। ये एरिया जो है इतना पसमानदा भी नहीं हम कह सकते, लेकिन करोल घाटी के करीब ये एरिया है। तो होप सो ये मेरा मैसेज आपको पहुँच गया होगा। फुल वीडियो शेयर कीजिए।